मध्य अटलांटिक महासागर में एक व्यापक खोज अभियान चल रहा है। खोजी दल उस पनडुब्बी को तलाश रहे हैं जो पर्यटकों को लेकर दुनिया के सबसे चर्चित जहाजों में से एक टाइटैनिक के मलबे को देखने निकली थी। रविवार को डुबकी लगाने के बाद इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था और तब से ही इसे खोजने की कोशिश की जा रही है। US कोस्ट गार्ड के मुताबिक डुबकी लगाने के 1 घंटा 45 मिनट के बाद इस पनडुब्बी से संपर्क टूट गया था। टूर कंपनी ओशियन गेट की इस छोटी पनडुब्बी में 5 लोग सवार थे। कंपनी का कहना है कि पनडुब्बी की खोज के लिए हर विकल्प का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस 8 दिन की पर्यटन यात्रा का टिकट $2.5 लाख या लगभग 2 करोड़ रुपए होता है। इस टूर के दौरान पनडुब्बी टाइटैनिक जहाज के मलबे के पास समंदर में 3800 मीटर नीचे डुबकी लगाती है। अधिकारियों के मुताबिक सरकारी एजेंसियां, अमेरिका और कनाडा की नौसेनाएं और व्यावसायिक रूप से समंदर की गहराई में जाने वाली कंपनियां इस खोज अभियान में जुटी हुई हैं। टाइटैनिक का मलबा उत्तरी अमेरिका के समंदर के सबसे करीबी बिंदु कनाडा के न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन से 700 किलोमीटर दूर अटलांटिक महासागर में है। हालांकि इस पनडुब्बी की खोज का अभियान अमेरिका के बोस्टन से चलाया जा रहा है। लापता पनडुब्बी ओशन गेट कंपनी की टाइटन सबमर्सिबल है जो एक ट्रक के बराबर बड़ी है और इसमें 5 लोग सवार हैं। आमतौर पर इस पनडुब्बी में आपात स्थिति में 4 दिन की ऑक्सीजन होती है। सोमवार दोपहर अमेरिकी कोस्ट गार्ड के रियर एडमिरल जॉन मॉगर ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि पनडुब्बी को खोजने के लिए हमारे पास 70 से लेकर 96 घंटों तक का समय है। उन्होंने कहा कि इस पनडुब्बी की तलाश में 2 विमान और 1 पनडुब्बी और सोनार से लैस तैरते बांध लगाए गए हैं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि जिस इलाके में ये खोज अभियान चल रहा है वो बहुत दूर है और इसकी वजह से अभियान में मुश्किलें भी आ रही हैं। रियर एडमिरल ने कहा कि बचाव अभियान में लगे लोग इस अभियान को व्यक्तिगत रूप से ले रहे हैं और पनडुब्बी में सवार लोगों को बचाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। ब्रिटेन के अरबपति कारोबारी हामिश हार्डिंग के परिवार का कहना है कि वो इस पनडुब्बी पर सवार हैं। 58 वर्षीय हार्डिंग एक एक्सप्लोरर भी हैं। पिछले सप्ताहांत हार्डिंग ने सोशल मीडिया पर कहा था कि मुझे ये बताते हुए गर्व हो रहा है कि मैं टाइटैनिक के मलबे तक जाने वाले अभियान का हिस्सा हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि न्यूफाउंडलैंड में पिछले 4 दशकों की सबसे भीषण सर्दी की वजह से 2023 में टाइटैनिक तक जाने वाला ये अकेला मानवीय मिशन भी हो सकता है। बाद में उन्होंने लिखा था कि मौसम की वजह से एक मौका बना है और हम कल डुबकी लगाने का प्रयास करेंगे। ओशियन गेट ने एक बयान में कहा है कि उसका पूरा ध्यान पनडुब्बी में सवार लोगों और उनके परिवार पर है। कंपनी के बयान में कहा गया है कि हम पनडुब्बी के साथ फिर से संपर्क करने के प्रयासों में कई सरकारी एजेंसियों और डीप सी कंपनियों की तरफ से मिल रहे व्यापक सहयोग के लिए बेहद आभारी हैं। लापता पनडुब्बी कार्बन फाइबर से बनी है। इसकी यात्रा के प्रचार में कंपनी दावा करती है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी के बाहर कुछ वाकई असाधारण खोजने का मौका है। कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक एक अभियान जारी है और जून 2024 के लिए 2 और अभियान तय हैं। आमतौर पर इस पनडुब्बी में 1 पायलट, 3 पर्यटक और कंपनी की भाषा में कंटेंट एक्सपर्ट सवार होते हैं। ये यात्रा न्यूफाउंडलैंड के सेंट जॉन से शुरू होती है। टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने और वापस आने की संपूर्ण डुबकी में 8 घंटे तक का समय लगता है। ओशन गेट की वेबसाइट के मुताबिक उसके पास 3 पनडुब्बियां हैं, लेकिन सिर्फ टाइटन ही टाइटैनिक के मलबे तक पहुंचने में सक्षम है। ये पनडुब्बी 10,432 किलो वजन की है और कंपनी की वेबसाइट के मुताबिक ये 13,100 फीट की गहराई तक पहुंच सकती है। इस पनडुब्बी में 5 यात्रियों के लिए 96 घंटे की जीवन रक्षक ऑक्सीजन होती है। ओशन गेट के मालिक ने BBC को बताया कि पोलर प्रिंस नाम का एक जहाज भी इस अभियान का हिस्सा है। इस जहाज के जरिए पनडुब्बी को मलबे की लोकेशन तक पहुंचाया जाता है। पिछले साल टाइटन सबमर्सिबल में यात्रा करने वाले CBS न्यूज के संवाददाता डेविस पोग ने BBC से बातचीत में उन दिक्कतों का जिक्र किया जिनका सामना पनडुब्बी में सवार लोग और ऊपर पानी की सतह पर मौजूद सदस्य कर रहे होंगे। उन्होंने बताया कि इस समय पनडुब्बी में सवार लोगों और बाहरी दुनिया के बीच संपर्क का कोई रास्ता नहीं है क्योंकि पानी के इतना नीचे ना GPS काम करता है ना ही रेडियो। उन्होंने बताया कि पनडुब्बी में सवार यात्रियों को बाहर बोल्ट लगाकर सील कर दिया जाता है। ऐसे में अगर पनडुब्बी सतह पर आ भी जाती है तो यात्रियों के पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। इस पनडुब्बी को कंपनी के कर्मचारी सिर्फ बाहर से ही खोल सकते हैं। टाइटैनिक अपने दौर का सबसे बड़ा जहाज था जो अपनी पहली ही यात्रा के दौरान डूब गया था। 1912 में ब्रिटेन से अमेरिका जा रहा यह जहाज रास्ते में एक आइसबर्ग से टकरा गया था।
इस जहाज पर 2200 लोग सवार थे, जिनमें से लगभग 1500 मारे गए थे। 1985 में टाइटैनिक जहाज का मलबा मिला था और तब से ही इस मलबे को देखने के लिए खोजी अभियान जाते रहते हैं।